हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरव चौधरी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज का कुछ सीन ऐसा है कि आज हम धोएंगे अपनी गाड़ी, देखें कितनी गंदी हो रही है। चलो गाइस, तो आज हमारी प्लानिंग ऐसी है कि आज हम इसको साफ़ करेंगे, घोड़े को। कुछ चीज़ बतानी थी, जो मेरे लास्ट दो व्लॉग हैं उन पर पता नहीं क्यों मेरे व्यूज़ बढ़ने की जगह घट रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैं मानता हूँ किसी चीज़ की कुछ कमी है, तो मैं उस चीज़ को बता दो चले। जो मेरी कमी हो, वीडियो में कमी हो, मेरे अंदर कमी हो, मैं दोनों में से किसी चीज़ को तो सुधारूँ। पर मैं पहली बात कुछ ऐसी चीज़ बना नहीं रहा जिससे कोई किसी को प्रॉब्लम हो। मैं तो सिर्फ अपना व्लॉग बना रहा हूँ, फैमिली व्लॉग बना रहा हूँ और कह ठीक है। पर पता नहीं क्यों मेरे घट रहे हैं। लास्ट मेरी वीडियो में 370 व्यूज़ हो गए थे रात कम्प्लीट, 8:30 बजे करीब 370 व्यू मेरे हो गए थे कम्प्लीट। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने ही जैसे चेक करा तो एकदम घट के, मतलब ये मान लो आप कि 150 से 170 व्यू मेरे घटे हैं। रात भी घटे हैं, परसों भी ऐसे ही घटे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों घट रहे हैं, कैसे घट रहे हैं। रात इतना सिर में दर्द हो गया, इतनी टेंशन हो गई कि मतलब बढ़ने की जगह घट रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। क्यों घट रहे हैं, बढ़ने चाहिए यार, घट क्यों रहे हैं, घट मेरे साथ ही क्यों घट रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा ये तो बताइए आप। पर चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, घट रहे हैं तो अब क्या करें। मेहनत तो देखो कर ही रहे हैं, मेहनत आगे भी करेंगे, अब भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे हमेशा, चाहे घटे चाहे बढ़े, उसमें तो हम क्या ही कह सकते हैं। पर मेहनत तो हम देखो करते ही रहेंगे। पर चलो, पर ऐसे घटने का कोई मतलब नहीं। सब्सक्राइबर मैं मान सकता हूँ, सब्सक्राइबर अगर मैंने सब्सक्राइब किसी को करा, मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ, तो घट गया एक सब्सक्राइबर मेरा, वो चीज़ मैं मान सकता हूँ। पर व्यूज़ कैसे घट जाएंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पर चलो कोई नहीं, मैंने अभी YouTube वालों को मेल करा है कि मुझे कोई रीज़न तो बताइए इस चीज़ का कि मेरी कमी क्या है, मैं उस चीज़ को सुधारूंगा तो आगे जाकर। पर चलो कोई नहीं, धोते हैं अपनी गाड़ी को, मिलते हैं आपको बाद। गाइस, गाड़ी को नहला धुला के कर दिया रेडी, कपड़े वपड़े पहना दिए हमने उसको, और अभी लगाएंगे साइड में कवर ढककर, खड़ी कर देंगे इधर घोड़े को। साफ हुई गाड़ी, धुल गई एक वो खड़ी, देखते हैं उसको क्या करना है। सोच रहे हैं कि उसे भी धो देते हैं, लगे हाथ इसे धो दिया तो उसे भी धो देते हैं। चलो पहले तो ये देखिए इसके डोर हैंडल्स, मैं आपको दिखाता हूँ चाबी से लॉक अनलॉक करके। लॉक कर दी, ये चले गए अंदर, अब करूँगा अनलॉक, या गए बाहर। अगर एक बार अनलॉक का बटन दबाओगे तो एक आएगा बाहर, सारे नहीं आएंगे, और दोबारा दबा दोगे तो ऐसे सारे आ जाएंगे। और हम कर देंगे लॉक। एक फीचर इसमें और अच्छा है, जैसे कि आपने ये इस गाड़ी की की है, या अगर हमने जेब में रखी हुई है और गाड़ी के पास आप आ रहे हो तो इसे ऐसे दबाओगे खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको उतरना है कहीं, आप इसको ऐसे अंदर की तरफ दबा दोगे तो बंद हो जाएंगे। तो चलो हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, एक दो चीज़ें। देखिए हमारी सीट वेलकम कर रही है, जैसे हमने खिड़की खोली ये आगे हो रही, पीछे हो गई थी सीट, अभी ये हो रही है। हमने इग्निशन ऑन कर लिया यहाँ से बटन प्रेस करके। साउंड क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया बनाई है अंदर से। यहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, ये लाइट होगी इनकी छोटी सी, ये देखिए ये वाली लाइट बड़ी सुंदर लगती है रात को। और बैक साइड में स्पेस भी ठीक ठाक है, बढ़िया स्पेस है। हमने नीला धुलाई कर दिया है, एकदम साफ साफ सुथरा कर दिया इसको, इसे भी मगर लगे हाथ साफ कर ही देते हैं बेचारी को, नहीं तो ये बुरा मान जाएगी फिर। उन्होंने कहा तन्ना उस घोड़े को तो साफ कर दिया, मुझे साफ करा नहीं। तो मैंने कहा चलो भैया तू बुरा ना मानना, हम तो जब भी कर देंगे साहब, कोई बात ना, अब तो घंटा एक घंटा और सही इस गाड़ी के। हमने कर दी है अपनी गाड़ी साफ, उसको तो हमने कपड़ा मार दिया था, वो खड़ी सामने दन्नो, और
इस पर अभी मारना है। सबसे पहला टास्क तो हमारा यही है कि इसमें से थोड़ा सा पानी निचोड़ के जो है वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा टास्क तो हमारा ये है, ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, इतना लंबा, ये है सबसे बड़ा टास्क। तो और टास्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टास्क ये है कि पहले तो हमें इसमें से खोलना है, फिर उसके बाद हमें इसमें डालना है। तो इसी वजह से गाइस अभी हमने गाड़ी धोकर कर दी है रेडी, ये भी साफ़ कर दी हमने, बस एक हल्का सा कपड़ा मारना है हमें छत छत पे, मोटा मोटा सा कपड़ा मारना है बस, और हमें वगैरह पर कपड़ा मार दिया है बस, ये मोटा मोटा सा कपड़ा मार दिया ताकि इस पर धूल ना चिपके पानी पे, ये पानी है ऊपर, इसको डाल देते हैं हम फैलाकर ऐसे। ये देख सकते हैं आप, गाड़ी हमने साफ कर दी बिल्कुल एकदम चकाचक, और वो तो हमने करी दी थी पहले, इसको करने के बाद तो इसे करनी पड़ी क्योंकि ये बुरा मान रही थी। चलो गाइस अब चलता हूँ अंदर, पसीनों में हालत ख़राब हो रखी है, बहुत पसीने आ रहे हैं, तो अब चलता हूँ अंदर, ना तो धोता हूँ, उसके बाद खाना वाना खाना है, फिर लेट जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, टीवी देख लूँगा। तो अभी चलते हैं अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि इसे बाद में लगाता हूँ, इसे मैं वहाँ लगाना है, वहाँ पर सोच रहा हूँ कि बाद में लगाऊँ, पर देखते हैं अभी, मैं सोच रहा हूँ ना लूँ उसके बाद लगाता हूँ। इससे तो खैर हमारे दोस्त का काम ही है बेचारे से, तो इसको हम लेके चलेंगे, इसे लगा देंगे हम वहाँ पे इसको। तो चलिए गाइस चलते हैं अब अंदर, मिलता हूँ नहाने धोने के बाद आप। गाइस अपना खाना आ चुका है और अपना खाना खा रहे हैं, दो तो हम लिए हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, भूख लग रही है, टाइम भी एक बज चुका है पूरा, तभी खाना फिनिश करते हैं अपना, उसके बाद मिलते हैं आपको। मैं गाड़ी वाड़ी धोकर ना धोकर खाना वाना खाकर मैं सो गया था थोड़ी देर, क्योंकि नींद आ रही थी, थक गया था थोड़ा सा, इस वजह से मैं सो गया था। तो मैं भी निकल गया हूँ अपने काम पे थोड़ा सा, और गाइस आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूँ। 3 से 4 दिन में हम जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, प्लानिंग चल रही है अभी भी, और ये सरप्राइज आपके लिए रहेगा कि हम जा कर रहे हैं, हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे बताएंगे, जब निकलने से पहले शॉपिंग भी करेंगे सब कुछ, अभी सरप्राइज है आपके लिए। और हम अपनी XUV700O में ट्रिप करने जाएंगे। तो चलिए गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर ये वीडियो अच्छी आपको लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस एक चीज़ मेरी याद रखना हमेशा कि आप जो व्लॉग देखते हो, वीडियो देखते हो, प्लीज़ स्किप ना करो, स्किप करके मत देखो, आपको बस 10 मिनट निकालनी है, 10 मिनट निकालिए अपने प्यारे भाई के लिए, और आप 10 मिनट के लिए प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखें, स्किप ना करो प्लीज़, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्किप ना करो, पूरा ब्लॉग देखो। कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि भाई आपसे ये गलती हुई, आपसे वो गलती हुई, मुझे बताओ ताकि मैं उस गलती को आगे ना करूँ दोबारा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो प्लीज़, स्किप ना करो। चलिए गाइस मिलता हूँ, टेक केयर, बाय।